दिल्ली का आकाशवाणी गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समय हुआ है 1:11 और 22 सेकंड और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। एक बार फिर से मैं अंजू आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसमें हम लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में बेहद बहुत ही खुशनुमा गीत, बहुत ही प्यारे गीत उस दौर के, जिस दौर में संगीत अपना एक अलग ही मकाम रखता था, आज भी रखता है, लेकिन उस दौर, उस जमाने के गीत आज भी उसी तरह सुने जाते हैं जैसे उस वक्त सुने जाते थे, यानी वो दौर 50 से 60 के दशक का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म आजाद से इस प्यारे गीत के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। अकेला दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला, दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले, सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। चलिए बात करते हैं उस दौर की कुछ बेहतरीन फिल्मों की। सन 1955 में एक फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेस 55। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी।
गुरुदत्त ने इस फिल्म में मधुबाला को लिया। इसके अलावा इस फिल्म में ललिता पवार, जॉनी वॉकर और जगदीप ने भी काम किया। इस फिल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। जानते हैं सबसे पहले इस फिल्म में वैजयंती माला इस फिल्म की पहली पसंद थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसको उन्होंने पिछले कुछ वर्षों पहले स्वीकार किया कि ये फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से थी जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया था। और जानते हैं कि जो इस फिल्म के कार्टून बनाए गए थे उसे फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण साहब ने बनाया था। तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत।
1955 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था गरम कोट। बलराज सहनी, निरुपा राय इस फिल्म के मुख्य किरदार थे और इन दोनों कलाकारों ने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया उसे देखकर लगता ही नहीं था कि ये अभिनय कर रहे हैं। मतलब दोनों का अभिनय इतना स्वाभाविक रहा और इनको ध्यान में केंद्रित रखकर ही भूमिकाएं भी लिखी जाती थी। उनको देखकर यही लगता था कि हम कोई नाटक या फिल्म नहीं देख रहे, स्वाभाविक ही लगता था। तो चलिए सुनाती हूं उसी फिल्म का एक गीत। फिल्म का नाम गरम कोट, गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है पंडित अमरनाथ ने और लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। Thank you.
कितने बड़े जहां में दिल तुझको तुझको अकेला छोड़ू कैसे तुझको शोमैन राज कपूर की फिल्मों की अगर बात की जाए तो बहुत मुश्किल होता है उनकी फिल्मों में से चुनिंदा फिल्में चुनना। जागते रहो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो घूमती है एक गरीब गांव वाला के इर्द गिर्द यानी राज कपूर साहब के। अमित मेहत्रा और शंभु मेहत्रा ने इसे निर्देशित किया था और इसके निर्माता थे फिल्म के हीरो यानी खुद राज कपूर साहब। यही फिल्म बांग्ला भाषा में भी बनाई गई थी जिसका नाम था एक दिन रात्रे, जिसमें भी हीरो राज कपूर साहब ही थे। तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत मुकेश की आवाज में। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या,
और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा, क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच।
जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी दवा नहीं देना। दोस्तों उस दौर में कुछ ऐसी भी फिल्में आई हैं जिनके नाम आज भी हम थोड़ा कम सुनते हैं, लेकिन उस समय वो बहुत ही बेहतरीन फिल्म रही और उसके कलाकार जो थे आप सुनेंगे तो कहेंगे हाँ वाकई में उस दौर में जो लोग रहे होंगे या आज भी होंगे उस दौर के लोग तो वो समझ रहे होंगे कि वो फिल्म वाकई में बहुत अच्छी थी। फिल्म का नाम था अमर और इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला, निम्मी, जयंत। जयंत साहब को शायद आज की पीढ़ी ना जाने, लेकिन जो पुराने दौर के लोग हैं वो जरूर जानते होंगे क्योंकि जयंत साहब अमजद खान साहब के पिताजी थे। तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। हो तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। ये समाए जहाँ फिर कहाँ, तेरे सदके बलम
कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू सवरिया, कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे, गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु समरिया, कर गया मुझ पे जादू। बात करते हैं हाउस नंबर 44 की। ये फिल्म 1955 की है, जिसे एम के बर्मन द्वारा निर्देशित किया गया था और इसके निर्माता थे देवानंद साहब। इस फिल्म में देवानंद और उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक मुख्य भूमिकाओं में थे। हालांकि कल्पना कार्तिक ने जितना भी काम किया वो देव साहब के साथ ही काम किया और इसके गीत ज्यादातर हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने ही गाए। तो चलिए सुनाती हूँ उसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में। पीछे पीछे आकर छुलो हमें पाकर छुप छुप जाना है, पीछे पीछे आकर छुलो हमें पाकर छुप छुप जाना है। हाँ।
इस गीत में जो दूसरी आवाज आप सुन रहे हैं वो है हेमंत कुमार।
जमाने लगा, तेरा नाम होठों पे आने लगा। हुए हम तेरे एक जमाने के बाद, हुए हम तेरे एक जमाने के बाद। तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद समाने लगा, तेरा नाम होठों पे आने लगा। हुए हम तेरे एक जमाने के बाद, हुए हम तेरे एक जमाने के बाद। तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद। किस्मत ये क्या हो गया, क्या हो गया, खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद। खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद। तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद तेरी याद। चलिए अब बात करते हैं फिल्म मुनीम जी की। ये फिल्म 1955 में आई थी, हालांकि इसे निर्देशित किया था सुबोध मुखर्जी ने और प्रोड्यूस किया था सशाधर मुखर्जी ने। कलाकार थे देवानंद, नलिनी जयवंत, प्राण, अमिता इसके मुख्य कलाकार थे और इस फिल्म का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत। दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा। दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है। कॉमेडी सॉन्ग कह सकते हैं। जीत लिया हार के दोनों जहां, दिल की उमंग है जवान। आप भी गाइए ना। दिल की उमंग है जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं। पामा पधा पगा सपा, दिल की उमंग है जवान, गाइए। दिल की उमंग है जवान, बहुत अच्छी, रंग में डूबा है समा। वाह वाह वाह। दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया हार के दोनों जहां, दिल की उमंग है जवां। गाइए गाइए गाइए। कार्यक्रम का आखिरी गीत है और अब 2:10 से आपसे फिर मिलूंगी। अभी होंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। पुरानी ये जमीन है आज इतनी हसी, सदियों पुरानी जमीन, सदियों पुरानी जमीन है आज इतनी हसी। आता नहीं है यकीन, होता नहीं है बयान। दिल की उमंगे है जवान, अब भी गई। दिल की उमंगे है जवान, रंग में डूबा है समा। जियो जियो। मैंने तुम्हें जीत लिया, मैंने तुम्हें जीत लिया हार के दोनों जहां।
दिल की उमंगे हैं जवान। भीगे नजारों से कहो, जाती फुवारों से कहो, भीगे नजारों से कहो, भीगे नजारों से कहो, जाती फुवारों से कहो, जाती बहारों से कहो, रुक जाए आज यहाँ, दिल की उमंगे हैं जवान। गाइए ना, क्या मजा आ रहा है। दिल की उमंगे हैं जवान, रंग में डूबा है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे हैं जवान।